बाहर के बच्चे हरियाणा में नौकरी करते हैं आपको दिखेंगे, ऐसा टाइम लाने का हम काम करेंगे। 50 वोट में नहीं, 50-50 लाख में नौकरी बेचने का काम कांग्रेस करती है। इलेक्शन के टाइम में झूठ बोलने में बीजेपी और कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। मेरी एक नौकरी इतनी गई, एक दाना जमीन में जाता है तो हजारों दाने बाजरे की सेटी में पैदा होते हैं। अगर जुलाना की जनता में कोई जान भी देनी पड़ेगी तो सबसे पहले इतना कमजोर नामान मैं इस जमीन किसान मिट्टी का रगड़ा लगा के तपा हुआ इंसान हूँ। अभी फतेहगढ़ गांव में डॉक्टर सुरेंद्र लाठर पहुंचे हैं, बिल्कुल, और लगातार जनसंपर्क अभियान चले हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो राम राम जी। आपके सभी दर्शकों को हरियाणा और जुलाना के बेटे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की हाथ जोड़ के राम राम। काफिला लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाने लग रहा है, शुरू दिन से लेकर के आज समीकरण कुछ और नजर आने लग रहे थे जुलाना की जनता को। जुलाना की जनता ने मन ठान लिया है कि भाई अपना परिवार का सदस्य जुलाना की जनता विधायक तो बनानी ही है। एक को सुनील शर्मा एक विधायक है, पूरे भारत में उसका एक रिकॉर्ड है, 62% वैलिड वोट अकेले एक विधायक ने आज तक उसी ने लिए। उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम जुलाना की जनता इस बार कर रही है। डॉक्टर साहब, बेरोजगार युवाओं को लिए आपका क्या प्लान है, क्योंकि बहुत सारी खबरें आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पर भी वायरल होती है कि कई जिलों के दो जो लड़के हैं वो हरियाणा छोड़कर के अमेरिका डंकी के रास्ते से जाने लग रहे हैं, उनके लिए क्या है? क्योंकि उनसे जब पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों नहीं रहते, वो कहते हैं बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, हम यहाँ रह करके क्या करेंगे, विदेशों की तरफ रुख करने लग रहे हैं। आपका भाई बेटा जी अभी जिसके परिवार में कोई राजनीति में नहीं, एक 2 किले का जमींदार का बेटा ट्यूशन पढ़ के 2-2 रुपए की फीस इकट्ठी करके बड़ा अधिकारी बना था, अब वो अपनी नौकरी छोड़ के आया है। अपनी तो नौकरी छोड़ दी, जुलाना के 25,000 युवा भाई बहनों को तो वो नौकरी की व्यवस्था करवाएगा ही। अगर भगवान ने कुछ सामर्थ्य दिया तो बाहर के बच्चे हरियाणा में नौकरी करते आपको दिखेंगे, ऐसा टाइम लाने का हम काम करेंगे। नीट ठीक हो और किसी के हाथ में कलम हो, समस्या ये नहीं है कि वो काम कर नहीं सकते, लोगों के पास पावर नहीं आई, बात ये है कि वो पावर भी है उनका, कर भी सकते हैं लेकिन वो नीत ठीक नहीं है, करना नहीं चाहते। हम नीत भी ठीक है और भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया तो हम वो काम करके दिखाएंगे। कांग्रेस के एक नेता का बयान वायरल होने लग रहा है सोशल मीडिया पे, आपने देखा भी होगा कि भी जैसे ही मैं एमएलए बन जाता हूँ तो मेरे रिश्तेदार या मेरे जो कार्यकर्ता है सबको नौकरी लगवा दूंगा, उनको प्राथमिकता दी जाए। सुना था आपने ये बयान उनका, 50 वोट की कीमत एक नौकरी से वो करने लग रहे हैं। भाई वो तो 50 वोट में नहीं, 50-50 लाख में नौकरी बेचने का काम कांग्रेस करती है। इलेक्शन के टाइम में झूठ बोलने में बीजेपी और कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस के टाइम में कैसे नौकरी, हरियाणा में या क्या जुलाना में ही देख लो, जिसने बगैर फार्म भरे बगैर 20,000 फीस भरे उनको टिकट दे दी, नौकरी भी ऐसे बांटेंगे, यहाँ के तो ऐसे रह जाएंगे जुलाना वाले, वो क्या देने वाले, क्या अपील करेंगे? जो फार्म भी नहीं भरेगा पेपर भी नहीं देगा उन्हें नौकरी लगाओगे बाहर के लाके, कांग्रेस काम तो ये काम करेगी। तो आपकी प्राथमिकता युवाओं की, यहाँ के नौजवान युवाओं की रही? बिल्कुल, यहाँ के युवाओं को मेरी एक नौकरी इतनी गई, एक दाना जमीन में जाता है तो हजारों दाने बाजरे की सेटी में पैदा होते हैं। मेरी एक नौकरी गई है, मेरे एक नौकरी से तो मेरे घर का चूल्हा जलता था। 25,000 ग्रामीण युवा भाई बहन है, उनके घर में चूल्हा जलाने का काम उनका भाई बेटा करे। समाज के लिए त्याग और समर्पण भावना मानी है? बिल्कुल, मन आत्मा शरीर तो मैं पहले 2 दिन मौन व्रत करके मेडिटेशन करके जो नौकरी छोड़ कर पहले दे चुका हूँ। अगर उन युवाओं की और मेरे जुलाना की जनता के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर जुलाना की जनता में कोई जान भी देनी पड़ेगी तो सबसे पहले इतना कमजोर नामान मैं इस जमीन किसान मिट्टी का रगड़ा लगा के तपा हुआ इंसान हूँ, सबसे पहले जान भी देनी पड़ी तो सुरेंद्र लाठर का नाम आए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात डॉक्टर सुरेंद्र लाठर कहने लग रहे हैं कि जुलाना वासियों के लिए, जुलाना के विकास के लिए यदि हमें जान भी देने की बात आई तो जान देने में पीछे नहीं हटेंगे, जिता देंगे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को। हाँ जी भाई जी, हाँ जितावांगे भाई, दाऊं। हाँ जी भाई साहब, हाँ फुलवा मन से जीतेगा। हाँ जी, जमा के कौन सा गांव आपका? बमनवास। हाँ जी, जिता दोगे? और जितावांगे। चलो भाई, बाकी और भी पहुंचे भाई यहाँ पर बड़े बुजुर्ग इनसे बात करें। भाई जी जिता दो डॉक्टर सुरेंद्र लाठर। और जमा खुलका। अच्छा, जमा खुल। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी। क्या रहेगा फिर? रुक जा, जमा जी। हाँ भाई, जिता दोगे? और हंगला दे पूरा। कैसे निकलना लगा आपने यहाँ भाई? पढ़ा लिखा शिक्षित युवा नेता मारा गुआंडी और किसने दे वोट?
अपना है विनेश फोगाट भी उठ रही है अनु तो कैप्टन योगेश भी उठ रही है 86 कैंडिडेट और थे भाई विनेश फोगाट तो दौरान वो भी उठे थे इतना बड़ा है भाई अपना काम का अपना गवांड का है फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा के साथ मैं जबार दूं आज।